नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला हो गया है, लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजे पर थी और शाम तक नतीजे आ गए। तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार हार स्वीकार करते हुए ममता बनर्जी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई। अगले कार्यकाल के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधानसभा चुनाव में फिर चुने जाने के लिए ममता दी और तृणमूल कांग्रेस को बधाई। अगले कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं। बीजेपी के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट के माध्यम से उन्हें बधाई दी है। संजय राउत ने लिखा है कि बंगाल की शेरनी को बधाई, ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। राउत ने ममता के साथ तस्वीर भी शेयर की है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है कि पश्चिम बंगाल में भारी जीत पर बधाई ममता दीदी, क्या लड़ाई रही। पश्चिम बंगाल के लोगों को भी बधाई। केजरीवाल के अलावा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने रुझानों में तृणमूल की बढ़त पर खुशी जताते हुए कहा कि ममता दीदी और टीएमसी को हार्दिक बधाई। विजयी बनकर उभरने के लिए आपने अथक संघर्ष किया और सभी हमलों के खिलाफ डटी रही। महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल में शानदार जीत के लिए तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को बधाई। विघटनकारी और विभाजनकारी ताकतों को खारिज करने के लिए पश्चिम बंगाल को भी बहुत बहुत बधाई। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी इस प्रचंड जीत के लिए ममता बनर्जी को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल में इस शानदार जीत के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। बीजेपी और पक्षपाती चुनाव आयोग ने आपको हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन आप विजयी हुए। अगले 5 सालों के लिए शुभकामनाएं। वहीं बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक साधुवाद। आज जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर अपनी ममता और भरोसा अपनी दीदी में ही देखा है। ये जनता के स्नेह और विश्वास की जीत है, ममता बनर्जी के दृढ़ और कुशल नेतृत्व की जीत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।